अब आप यहां पर बाय करोगे या सेल? यह है इसका रेजिस्टेंस, यह है इसका सपोर्ट, यह है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह ट्रेडिंग में एक पॉपुलर इंडिकेटर होता है। चलिए समझते हैं RSI डाइवर्जेंस होता क्या है। RSI डाइवर्जेंस तब बनता है जब स्टॉक का प्राइस और इंडेक्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। RSI डाइवर्जेंस कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक है पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस। ये तब बनता है जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो बट इंडिकेटर ऊपर की तरफ मूव होने लगे। जब भी किसी स्टॉक में पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस आता है तब हमें बाय करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए यहाँ हमें ब्रेकआउट मिल गया है, पर शायद हो सकता है कि ये फेक हो, इसलिए हम इसके क्लोजिंग के ऊपर से एंट्री लेंगे। देखिए यहाँ पर इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट वाली कैंडल को 90% कवर कर लिया है, इसलिए हम यहाँ से एंट्री लेंगे।